हेलो गाइस, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर और न्यूमरोलॉजिस्ट। काफ़ी दिनों से आप सबकी डिमांड पे ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने शुरू किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही हो गया, जो मैं मेरे क्लासेस में पढ़ाती हूँ वही आज आपको मैं यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। सिंपल स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग बात करेंगे सिर्फ अभी। स्टॉक मार्केट का मीनिंग होता है, फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है वो टोटली थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हम लोग साथ में हैं, जितनी देर आप पढ़ रहे हो उतनी देर के लिए लॉस ये वर्ड को थोड़ी देर बाहर निकाल के छोड़ दीजिए। वो क्यों नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा, मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, स्टॉक मार्केट में हम लोग करते क्या है। स्टॉक मार्केट में हम लोग करते शेयर्स खरीदते, हम लोग शेयर्स बेचते हैं। सिंपली हम लोग ये करते कि शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं। दैट इज़ मीनिंग कि बायर्स एंड सेलर, लॉट्स ऑफ बायर्स यहाँ पे होते हैं, लॉट्स ऑफ सेलर्स यहाँ पे होते हैं। कोई ऐसे खुद कंपनी नहीं है, जैसे रिलायंस का शेयर लिया है हमने और उसी को वही कंपनी खुद ले बेच रही है, ऐसे नहीं होगा। हम लोग खरीदेंगे, हम ही लोग बेचेंगे। अगर मुझे खरीदना है रिलायंस तो आपने बेचना चाहिए तभी मुझे मिलेगा, अदरवाइज मुझे रिलायंस का शेयर्स मिलेगा नहीं। तो दैट इज मीन स्टॉक मार्केट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे लॉट्स ऑफ बायर्स रहेंगे, लॉट्स ऑफ सेलर्स रहेंगे और वही लोग, मतलब हम ही लोग सब मिला के मार्केट को चलाते हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी जिसे बोलते हैं, जो बढ़ता है वो पर 3 सेकेंड का एवरेज निकाल के बढ़ता है। वो छोटी 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 चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी और हम लोग आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। साथ में आपको कोई डाउट हो गया तो एनी टाइम आप मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। सो हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट के तरफ। तो अभी स्टॉक मार्केट में आपने डिसाइड कर लिया है, वेरी गुड थिंग कि आपने डिसाइड किया है कि आपको एक्स्ट्रा एक इनकम चाहिए। तो यहाँ पे आपने जब डिसाइड किया है कि मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो 3 बेसिक नीड है स्टॉक मार्केट की। उसके लिए आपको सबसे बेसिक नीड है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मीनिंग क्या हो गया, पहले हम लोग सुनते थे कि पुराने टाइम पे शेयर्स हमें पेपर पे मिल रहे हैं, हमें हमारे दादाजी ने लेके लिखे, वो फिजिकल फॉर्मेट में है। फिजिकल फॉर्मेट में मतलब एक पेपर मिल जाता था, उसके ऊपर 100 शेयर आपके पास रिलायंस के हैं, 100 अल्ट्राटेक के हैं, 100 यूनिटेक के हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल फॉर्मेट उसे बोलते थे। अभी वही फॉर्मेट सेबी ने चेंज कर दिया, सेबी विन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अंडर पूरा शेयर मार्केट काम करता है, दैट इज़ द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने डे बाय डे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है और वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ के उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया, दैट इज़ कॉल्ड। उसके लिए आपको जैसे आपका बैंक का अकाउंट रहता है, जैसे बैंक में हम लोग हमारे पैसे सेफ रखते हैं, वही डीमैट अकाउंट में हम हमारे शेयर्स सेफ रहेंगे, हमारे शेयर्स कहीं मिसप्लेस नहीं होंगे। आपके बाद आपके बच्चों को भी ईजिली मिल जाएंगे, आपके फैमिली को भी ईजिली मिल जाएंगे वो शेयर्स, तो डोंट वरी, शेयर वॉज सेफ। देन डीमटेरियलाइज अकाउंट, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट उसे बोलते हैं। इसके लिए आपको लगता है एक सब ब्रोकर या फिर ब्रोकर, ठीक है, ब्रोकर। ब्रोकर का मीनिंग क्या हो गया, जो आपके जो शेयर्स है वो खरीदने बेचने में आपकी हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रोकर। जैसे ICICI बैंक में आपने खोल दिया डीमैट अकाउंट, HDFC में खोल दिया, कार्मी में खोल दिया, तो ये सारे नॉन ब्रोकर है। तो आपका ब्रोकर जो है वो NISM की एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए, वो लीगली ब्रोकर होना चाहिए, जिसको सेबी ने ऑथोराइज किया होना चाहिए। उसका मिनिमम ब्रोकरेज होना चाहिए 100 रुपीज़ पे 0.05 पैसा और 100 रुपीज़ पे 0.50 पैसा, ठीक है। ये कॉमन ब्रोकरेज है, ये इससे ज़्यादा कोई ले रहा हो तो आप उसे अवॉइड कर दीजिए। वन मोर थिंग, NISM, ओके, NISM नेशनल इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके सब ब्रोकर ने पास आउट किया होना चाहिए, तो वो लीगल ब्रोकर हो गया, मतलब एक सिक्योर्ड हो जाते हो आप कि आपका ब्रोकर लीगल ब्रोकर है। उसके बाद में ब्रोकर चॉइस करते टाइम आपको देखना चाहिए उसके पास क्लाइंट बेस कैसा है, उसके क्लाइंट की सर्विस कैसा है,
वो क्लाइंट को कितनी हेल्प करता है, उसको टेक्निकली, उसको फंडामेंटली कितना नॉलेज है, और क्लाइंट के लिए वो कितना एक्साइटेड, मतलब कितना हेल्पफुल है, उनका फंड ट्रांसफर सिस्टम कैसा है ये पहले देख लीजिए, उसके बाद में आप आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन कर दीजिए। देन सेकेंड वन थिंग आएगी मार्केट में, दैट इज कॉल्ड CNBC चैनल, या फिर कोई भी TV चैनल आप देख लीजिए। आप लोग मोस्टली क्या देखते हो पता है, TV पे सुबह सुबह न्यूज़ मिल जाती है आपको कि टॉप 20 में देख लो, कोई उनका जैकपॉट कॉल रहता है, वो सारे कॉल्स आप देख लेते हो। वो गलत है, वैसे मत करिए, आप वैसे कॉल्स मत करिए। वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी आती है, न्यूज़ बेस्ड थिंग्स भी आती है, उसे आप देखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप, आपके सामने ये TV है अभी, समझ लीजिए, ओके? यहाँ पे दो स्ट्राइप्स जाती है और ये वाला बॉक्स रहता है, राइट? तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वाली दो स्ट्रिप्स हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। अब यहाँ पे और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई फ़ोन। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो, आप फ़ोन पे आपके ब्रोकर को ऑर्डर दे सकते हो। हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है ना कि अगर मैं सामने नहीं रहा तो मेरी मेरा ट्रेड कौन करेगा, मैं कैसे रेट देखूं, मुझे तो फलाना काम है, मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं अपने शॉप में रहता हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। डोंट वरी, आपके पास स्मार्टफोन है, अभी एवरी वन हैज़ गॉट स्मार्टफोन, तो डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे अवेलेबल हो जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। उसके बाद में हम लोग स्पेशली देखते हैं CNBC चैनल। CNBC चैनल पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या देखना ज़रूरी है, आप हमेशा सुनते रहते हो सनसेक्स, क्या है ये, इसे निर्देशांक भी हम लोग बोल देते हैं मराठी में। सो व्हाट इज द सनसेक्स मीन, दो एक्सचेंज मेन है, एक हो गया निफ्टी, ठीक है, अपने पास टोटल नियर अबाउट 14,000 to 15,000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, ओके? 14,000 to 15,000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, इतने शेयर्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट? इतने शेयर्स में हम लोग ले बेच कर सकते हैं। तो ये जो 14,000 to 15,000 शेयर्स है ना, इसमें ग्रुप किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप किए गए हैं A to Z। अब याद रखिए, आप हमेशा मेरे स्क्रीनशॉट देखते हो, आप हमेशा मुझे देखते हो, तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास हमेशा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का रीज़न यही है कि मैं काम करवाती हूँ मेरे क्लाइंट को सिर्फ एक ग्रुप में। एक ग्रुप में काम करोगे, देखो 14,000 15,000 शेयर्स है, उसमें से एक ग्रुप में है ओनली 260 शेयर्स, सिर्फ 260 शेयर्स। 15,000 में 260 चुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, आई एग्री। 260 शेयर जो है वो रैंकिंग वाइज निकाले गए, लोगों का भरोसा है, लोगों को रिटर्न्स कंपनी ने अभी तक दिया है, तो उस हिसाब से ये शेयर्स निकाले गए हैं। सो हम लोग भी काम करेंगे, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आपको सिर्फ ए ग्रुप में काम करना पड़ेगा। टॉप की ग्रुप 3, ए ए B1 एंड B2, ओके? इनका नियर अबाउट टोटल आता है 2,000 to 2,500, ओके? ये टोटल हो गया इन लोगों का 2,000 to 2,500। अभी सनसेक्स एंड निफ्टी, अगर आपने देखा होगा सनसेक्स एवरी 3 सेकेंड में चेंज होता है, एवरी 3 सेकेंड में फ्लक्चुएशन होते रहता है, एवरी सेकेंड एक ट्रेड पड़ता है और एवरी 3 सेकेंड सनसेक्स एंड निफ्टी चेंज होते रहती है। दो मेन एक्सचेंज है सनसेक्स माने BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, सनसेक्स माने BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो मेन मेन एक्सचेंज है जैसे मैंने बोला। सो BSE चलता है टॉप 30 को लेके और NSE चलता है टॉप 50 को लेके। अब मुझे बताइए, 260 ए ग्रुप में शेयर्स थे, BSE में आ गए टॉप 30, NSE में आ गए टॉप 50,
तो अगर आप सिर्फ टॉप 50 में काम करोगे तो यू नेवर बुक अ लॉस. फर्स्ट कंसेप्ट मैं आपको दे रही हूँ, आप कभी लॉस बुक नहीं करोगे. बिकॉज अभी आप हम लोगों ने देखा 15,000 में से सिर्फ 260 थी, 260 में से चुन के हम लोगों ने और कितने नीचे लाई, सिर्फ 50 कंपनीज. मोस्टली टॉप 30 टॉप 50 कॉमन है. हम लोग कल बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर का रीडिंग लेंगे तो उसमें मैं सिखाऊंगी आपको. मोस्टली टॉप 30 टॉप 50 स्क्रिप्ट कॉमन है. अभी ये टॉप 30 टॉप 50 का एवरेज निकाल के एवरी 3 सेकेंड सेंसेक्स प्लस और माइनस होते रहता है, निफ्टी प्लस और माइनस होते रहती है. दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट में दो मेन एक्सचेंज सेंसेक्स एंड निफ्टी, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. गॉट इट? फिर डोजोन्स आप लोगों को पता है, कभी सुना है आप लोगों ने? नैस्डैक, हैंगसेंग, निक्के, कोस्पी, ताइवान, स्ट्रेट टाइम, देन कैक, डैक्स, फीस्टी और अपना सनसेक्स एंड निफ्टी. सिंपल दो चीज़ें होगी, कैक, डैक, फीस्टी, डोजोन्स, नैसडैक, हैंगसेंग, निक्के, कोस्पी, ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स. आई एग्री कि सारे नाम आपके लिए थोड़े थोड़े नए हैं, बट डोंट वरी, ये अभी आपको फैमिलियर करने पड़ेंगे. धीरे धीरे आप लोग भी इसके साथ फैमिलियर हो जाओगे. अभी डोजोन्स एंड नैस्डैक क्या है पता है? जैसे अपना सनसेक्स एंड निफ्टी था ना, वैसे डोजोन्स एंड नैस्डैक यूएस मार्केट, यूएसए का मार्केट है. ये क्या है? यूएसए का मार्केट है. हैंगसेंग नाइट की कोस्पी, ये क्या है? एशियन मार्केट हम लोग इसे बोल सकते हैं, चीन, जापान, बहुत सारी चीज़ें. तो ये हो गया एशियन मार्केट. कैकडैक फीसती, ओके, कैकडैक फीसती, ये हो गया यूरोपियन मार्केट. सबके टाइमिंग्स अलग अलग है, देख सकते हो आप. अभी सबके टाइमिंग्स अलग अलग है, जैसे कि हम लोगों का मार्केट कितने बजे खुलता है पता है आपको? 9:15 to 3:30, ओके, 6 घंटे का मार्केट. इन लोगों का मार्केट इवनिंग में खुलता है. एशियन मार्केट सुबह खुलता है, मॉर्निंग 8 o'clock, इनका 7 to 7:30 नियर अबाउट, इनका आफ्टरनून 12:30, ओके, हो गया. इनका मार्केट खुल गया शाम में 7 बजे, इनका मार्केट खुल गया सुबह 8 बजे, इनका मार्केट खुल गया दोपहर में 1:30. अभी एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अपना मार्केट कितने बजे खुलने वाला है? 9:15 to 3:30, इनका क्लोजिंग होगा रात में और ये खुलेंगे सुबह. सो यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए, CNBC पे होने दीजिए या मनी कंट्रोल के ऐप में होने दीजिए. वहाँ पे होम में जाओगे आप तो वहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस एक कॉलम आएगा, वहाँ पे आपको ये सारी मार्केट दिखाई देगी. अभी आप मोबाइल खोल के देख सकते हो ग्लोबल इंडाइसेस. सो यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस अपने पास फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 70 to 80% है, ऑलमोस्ट 70 to 80% है. उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ. अगर आप जापान में जाओगे तो वहाँ पे बैंक में आपको अगर पैसे रखने हैं तो घर से देने पड़ते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हमारे यहाँ 6% 7% FD के मिल जाते. तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों का क्या बोलना है कि अगर हम लोग इंडियन मार्केट में, हम लोग अगर इंडियन मार्केट में पैसे रखेंगे तो हमें रिटर्न्स डेफिनेटली ज़्यादा मिलेंगे. तो मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. बट एक चीज़ अभी वापस आप ध्यान में रखें, अगर अपने यहाँ ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उनके यहाँ रिटर्न्स बैंक ने देना शुरू कर दिया या फिर कोई भी आर्थिक या वित्तीय हानि जिसे हम लोग बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग वॉर हो गया, कोई कुछ भी बैड थिंग्स हो गई और इन लोगों ने सोचा कि हम हमारे यहाँ से पैसे निकालते हैं, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली अपने मार्केट में इफ़ेक्ट होगा. क्योंकि
अभी अपने यहाँ सिर्फ है 30% इंडियन इन्वेस्टर और बाकी 70% हम लोगों के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो FI वालों का है, फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, इन लोगों का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें इन मार्केट को फॉलो करना कंपलसरी होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट ट्रेंड मिलेगा कि अपना मार्केट कैसे खुलने वाला है, प्लस में खुलने वाला है या माइनस में खुलने वाला है। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना मार्केट कितने बजे खुलने वाला है, 9:15। इनका मार्केट इवनिंग में रात में बंद हो जाएगा, ये सुबह 8 बजे खुल जाएगा। एशियन मार्केट सुबह 8 बजे खुल जाएगा, US मार्केट रात में बंद हो जाएगा। हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा सुबह 9:15। उसके पहले 1 घंटे का होमवर्क पहले आपको करना है, 9:15 से पहले क्या 1 घंटे का होमवर्क आपको करना है, वो ये करना है कि आपको देखना है फॉरेन कंट्रीज़ के मार्केट कैसे खुले हैं, उनका मार्केट पे अपने कैसे हो गए। अगर उनका मार्केट प्लस में है तो 99% हम लोग बोल सकते हैं कि अपना मार्केट भी प्लस में खुलेगा। अगर उनका मार्केट माइनस में है तो डेफिनेटली अपने मार्केट में भी उसका इफेक्ट हम लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सो ये होगी फर्स्ट टेक्निक कि आपको मार्केट का ट्रेंड कैसे पहचानना है। आपको सिंपली मार्केट का ट्रेंड पता चल गया अभी कि आज का मार्केट कैसे खुलने वाला है, आपने किसी को पूछा नहीं, इवन आपने शीतल को भी नहीं पूछा कि आज शीतल अपना मार्केट कैसे खुलने वाला है, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अपना आज का स्टॉक मार्केट कैसे खुल सकता है। उसके बाद में देखो यूरोपियन मार्केट दोपहर में खुल जाएगा, तो उसके बाद में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मार्केट 12 बजे तक तो ठीक ठाक चल रहा था, 12:30 बजे के बाद में सडनली मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। तो दैट इज़ द रीज़न कि यूरोपियन मार्केट कभी कभी नीचे आते हैं, तो उसके वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें वो भी मतलब आफ्टरनून का अगर ट्रेंड हमें देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। अगर मार्केट नीचे आया तो देख लीजिए कि फॉरेन यूरोपियन मार्केट कैसे खुला है। उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे, सो दैट इज कॉल्ड BSE यानी NSE। जैसे मैंने आपको TV निकाल के दिखाया था, ये दो स्ट्रिप और ये दो, ये वाला बॉक्स, ये वाला स्ट्रिप रहेगा ये BSE का रहेगा, ये वाला रहेगा वो NSE का रहेगा नीचे। और जो ऊपर वाला एरो रहेगा ये ग्रीन एरो, ये प्लस वाला एरो रहेगा, और ये डाउन वाला जो एरो रहेगा ये रेड वाला, ये माइनस वाला रहेगा, राइट। ये तो सिंपल सिंपल चीज़ है बट आपको सीखनी भी ज़रूरी रहेगी। अब कभी कभी आप देख लो, एक अप्रॉक्सीमेटली मैं प्राइस ले लेती हूँ, जैसे इन्फोसिस है 1000 रुपीज़ का है, ठीक है, और अभी ये बता रहा है 10 रुपये ऊपर। सो ये कल कितना था, 990, अभी लाइव मार्केट में ये 10 रुपये बढ़ा है तभी इसका रेट 1000 रुपीज़ हुआ है। समझ लीजिए कोई शेयर है जो अभी 700 रुपये में चल रहा है, ठीक है, और ये माइनस में बता रहा है 7 रुपये, तो कल का इसका क्लोजिंग कितना था, 707 रुपये। तो कल के क्लोजिंग के हिसाब से जब लाइव मार्केट चलेगा तो ये दोनों स्ट्राइप्स घूमते रहती है, अगर आप देखोगे तो घूमते रहती है। तो सामने बताया जाता है कि कितना प्लस है कितना माइनस है, देन उसके बाद में प्लस माइनस की फिगर आपको बताई जाती है। सो सबसे मेन चीज़ रहेगी ये वाला कॉलम, यहाँ पे आपको सेंसेक्स निफ्टी दिखेगी और बाकी सारे मार्केट्स भी आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद में आपको दिखाई देगा वहाँ पे, कभी आपने देखा है वहाँ पे क्रूड ऑयल, कभी आपने देखा है गोल्ड, कभी आपने देखा है डॉलर वर्सेस रुपीस, छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। मैं वही बोल रही हूँ ना, आप लोग देखते हो सिर्फ न्यूज़ देखते हो, कौन क्या बाय करने के लिए बोल रहा है यही आप लोग देखते हो, ऐसे अब लोग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सारी चीज़ें अपडेटेड रहेंगे। क्रूड ऑयल का मीनिंग क्या हो गया, अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो ऑयल सेक्टर बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई अगेन। गोल्ड बढ़ता है तो गोल्ड वाले रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। अभी ट्रेंड तो डिसाइड मिल गया मुझे कि अपना मार्केट आज प्लस में खुलने वाला है, प्लस में अगर खुलेगा तो उसके बाद में मेरे पास स्टॉक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो देख रहे हैं डे ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के पास स्टॉक्स तो है नहीं, हम लोग खरीदेंगे क्या, तो आप लोग खरीद सकते हो क्रूड ऑयल रिलेटेड आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, गोल्ड रिलेटेड आप स्टॉक खरीद सकते हो, देन डॉलर वर्सेस रुपीज़ हो गया, डॉलर रिलेटेड टू IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर, तो ये सारे स्टॉक्स आप खरीद सकते हो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस के हिसाब से। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डे और इंट्राडे के हिसाब से आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद में अगर आप अगर गौर से देखोगे, अगर आप CNBC चैनल गौर से देखोगे तो वहां पे आता है एक ADB और DEC। कभी देखा, कभी सुना है? नहीं, या फिर सुना होगा तो उसका मीनिंग देख लीजिए। एडवांस एंड डिक्लाइन, बढ़ने वाले शेयर्स और गिरने वाले शेयर्स। ओके, बढ़ने वाले शेयर्स और गिरने वाले शेयर्स। अभी यहाँ पे देख लीजिए, बढ़ने वाले शेयर्स और गिरने वाले शेयर्स में क्या हो गया। अभी टोटल मैंने आपको बोला था 1 रुपये हम लोग काम करेंगे, उसके बाद में मैंने आपको बोला था सिर्फ निफ्टी के 50 कंपनीज में हम लोग काम करेंगे। उसके बाद में मैं अगर आपको और मतलब मैं बिल्कुल कभी अलाउड नहीं करती हूँ S ग्रुप T ग्रुप Z ग्रुप में आप काम कर लो। जैसे आप लोगों को पसंद आती है 10 रुपये 15 रुपये वाली स्क्रिप्ट, वैसे बिल्कुल मत करिए। अभी हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से सीख के हम लोग जाने वाले। सो एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशो, एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशो में आपको देखना है, समझ लीजिए टॉप के ग्रुप पे A B1 एंड B2, इसकी टोटल आएगी नियर अबाउट 2000 to 2500। एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर्स में ले रही हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स ये है नहीं, एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर में ले रही हूँ कि 2000 to 2500 आ जाएगी। तो इसमें एडवांस मतलब बढ़ने वाले शेयर्स, समझ लीजिए 1400 शेयर्स बढ़ रहे हैं 2000 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और 600 शेयर्स माइनस है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि मार्केट में बाइंग चल रही है तो हम लोग भी बाइंग करके चलेंगे। सिंपली मार्केट जो फ्लो में जा रहा है वही फ्लो में जाएंगे और हम लोग बाइंग करके चलेंगे। दैट इज कॉल्ड एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशियो। और एक चीज़ है जो मैंने बताई नहीं है, धीरे धीरे मैं बताऊंगी आपको, तब तक आप भी सोचिए कि मैंने क्या नहीं बताया होगा। ओके, डन। आई होप आप लोग समझ रहे हो, सिंपल सिंपल छोटी छोटी लैंग्वेजेस है। अभी तक हमने देखा कि हम लोगों को CNBC चैनल वॉच करना था, पहले तो डीमैट अकाउंट, हमने अकाउंट खोला डीमैट का और हमें अभी ट्रेडिंग शुरू करनी है, बट उसके पहले हमें होमवर्क करना है। हम लोग विदाउट होमवर्क मार्केट में जाने नहीं देंगे आप लोगों को, इसलिए आपको होमवर्क करना है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि अमेरिकन मार्केट कैसे क्लोजिंग हुआ, फिर एशियन मार्केट कैसे खुला, उसके बाद में एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशियो। पहले 15 मिनट वॉच करो मार्केट को कि कैसे खुला है, उसके बाद में डॉलर कैसे, क्रूड ऑयल कैसे है, गोल्ड का रेट कैसे है, तो उस रिलेटेड हम लोग स्टॉक्स खरीदेंगे डे इंट्राडे के लिए। और एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशियो, बढ़ने वाले शेयर्स और गिरने वाले शेयर्स, ये अभी तक हमने सीखा है। उसके बाद में हम लोग जाते हैं, मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आता है म्यूचुअल फंड, सेफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड मींस सेफ इन्वेस्टमेंट। कितने लोगों को पता है या फिर आप लोग कितने लोग करते हो म्यूचुअल फंड में काम? सो म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या होता है, जैसे अभी मुझे मार्केट का नॉलेज ज़रा सा भी नहीं है, मैंने कभी शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदे नहीं है या फिर मुझे खरीदने हैं अभी। मुझे अगर म्यूचुअल फंड के बारे में शेयर्स खरीदने हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता है शेयर मार्केट में पैसे मिलते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मुझे नॉलेज नहीं है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फंड मैनेजर बनाया जाता है जो आपके फंड्स मार्केट में ही डालता है, स्टॉक मार्केट में ही डालता है। बट वहाँ पे आपको अथॉरिटीज नहीं रहेगी, आपने पैसे दे दिए वो मार्केट में डालेगा, उसके बाद में उसको जो शेयर्स पसंद आएंगे वो फंडामेंटली एनालिस करेगा, टेक्निकली एनालिस करके शेयर्स खरीदेगा। सो दैट्स वाई अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि म्यूचुअल फंड इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे आपका कुछ रोल नहीं रहेगा, बस आपने पैसे दे दिए हो गया। म्यूचुअल फंड में आता है एक NAV, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। दूसरा आता है NFO, दैट इज कॉल्ड न्यू फंड ऑफर, उसे ही हम लोग यूनिट्स बोलते हैं और उसे ही हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। ओके, वर्ड्स अलग अलग रहते हैं, बस आप अगर कहीं और गए तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड किसे, NAVs किसे बोलते हैं, म्यूचुअल फंड NFO किसे बोलते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है।
सो एनएवी, एनएफओ, यूनिट्स एंड फेस वैल्यू. मार्केट में मोस्टली वर्ड यूज हो जाता है एनएवी, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू. कोई भी शेयर्स अगर मार्केट में आता है तो उसका वैल्यू होता है 10 रुपीज. जो एनएफओ मार्केट में आ जाता है उसका वैल्यू होता है 10 रुपीज. इसको मल्टीप्लाइड करके मिनिमम 500 to 1000 शेयर्स लेना आपको कंपलसरी हो जाता है. मिनिमम 500 to 1000 शेयर्स लेना आपको कंपलसरी होता है. इसका मीनिंग क्या हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 5000 to 10000. इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कंपलसरी होगी. अभी शुरू हुआ है SIP, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. पहले ऐसे होता था कि वन टाइम आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो 5000, 10000, वॉट एवर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है. अभी उन्होंने फैसिलिटी दी है SIPs की कि उसे नाम दिया गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 500 से स्टार्ट है. बट वहाँ पे भी मिनिमम 11 मंथ आपको ये SIPs करने पड़ती है, मतलब 5500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ही है. ऐसे खाओ वन इन द सेम ही है. SIP करना है आप कर सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड की NAV, NFO, यूनिट्स, फेस वैल्यू. अभी आपने डिसाइड किया कि मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना है, SIP के थ्रू जाओ आप या फिर कैसे भी जाओ, डिपेंड्स ऑन यू. तो आप जब म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो आपको दो चीज़ें पूछी जाती है, मैम आप कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन से प्लान में एंटर करना पसंद करोगे. तो एक हो गया ओपन एंडेड और दूसरा हो गया क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड मतलब एनी टाइम एंट्री, एनी टाइम एग्जिट. आप कभी भी एंटर कर लो, कभी भी एग्जिट कर लो. क्लोज एंडेड 1 year, 2 year, 3 year, 5 year लॉकिंग पीरियड. अब 1 year, 2 year, 3 year, 5 year लॉकिंग पीरियड मतलब आपका पैसा ब्लॉक होके पड़ेगा. ब्लॉक होके मतलब डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम जो बैंक FD है उससे रिटर्न्स अच्छा ही मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप ओपन एंडेड में जाते हो, ओपन एंडेड का मीनिंग क्या हो गया कि आप एनी टाइम एग्जिट भी कर सकते हो, एनी टाइम एंटर भी कर सकते हो. बट क्लोज एंडेड में क्या होगा, 1 year, 2 year, 3 year लॉकिंग पीरियड रहेगा. उसके पहले अगर आपको एग्जिट करना है तो समथिंग फाइन यहाँ पे आपको चार्ज किया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसे लिए हुए, तो समथिंग फाइन आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा. ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड एनी टाइम एंट्री. समझ लीजिए 10 रुपये का एनएवी लिया है 6 मंथ में, अगर बाय चांस वो 16 रुपये हो गया, आपको लगा कि बेच देना है, तो आप ओपन एंडेड में हो तो ही बेच सकते हो. आप क्लोज एंडेड में रहेगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे समथिंग छोटा मोटा फाइन वहाँ पे लगेगा. उसके बाद में अगर आपने डिसाइड किया, अगर मैं आपके पास म्यूचुअल फंड की ब्रोकर बन के आऊँ तो डेफिनेटली मैं आपको क्लोज एंडेड बोलूँगी, क्योंकि आपके फंड्स मुझे ज़्यादा दिन यूज़ करने के लिए मिलते हैं. सो बेटर यू गो विद द ओपन एंडेड प्लान. देन क्लोज एंडेड, सॉरी, इसमें हम लोग देखते हैं वापस, दो प्लान आते हैं, एक रहता है डिविडेंड और दूसरा रहता है ग्रोथ प्लान. ओके, एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है ग्रोथ प्लान. अब डिविडेंड देती है कंपनी, मतलब क्या करती है, आपका जो एनएवी था ना 10 रुपीज, इसके रुपए 1 रुपया 2 रुपए कंपनी डिविडेंड देती है. 1 रुपया 2 रुपए कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो डेफिनेटली कंपनी का जो क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट है वो अच्छा है, वो कंपनी हम लोगों के साथ शेयर करना चाहती है, तभी जाके हमें डिविडेंड या फिर बोनस देती है. बोनस देती है मतलब क्या करती है, 1+1 एनएवी कंपनी हमें गिफ्ट करती है. 1+1 का मीनिंग क्या हो गया, फिर आपका जो आपके पास समझ लीजिए 500 एनएवीज थे, अभी और आपको मिले 500, तो टोटल क्या हो गया 1000 एनएवीज हो गया, राइट. आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 5000, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 5000 का, तो टोटल कितना होना चाहिए, बोलो कितना होना चाहिए, आपके हिसाब से 10000 होना चाहिए. नहीं, बट ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा ये 5000. डर गए ना, नहीं ऐसे नहीं होता है. कैसे होता है ना, ये 10 रुपये वाला एनएवी जो है ये सडनली 5 रुपीज हो गया, दो टुकड़े कर दिया उन्होंने एनएवीज के, जिसे बोलते हैं हम लोग स्प्लिट होना. सो नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे पड़ गए, 1000 शेयर्स हमें मिल गए, बस यहाँ पे प्राइस अभी वही रही. डेफिनेटली ये बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वापस 5 रुपीज 10 पैसा, 5 रुपीज 90 पैसा, 6 रुपीज 70 पैसा,
8 रुपीज 80 पैसा 10 रुपीज। जब ये 10 रुपीज होगा तो डेफिनेटली आपका अमाउंट भी यहाँ पे डबल हुआ होगा। सो दैट्स व्हाई ये जो प्लान रहेगा ये स्लो रहेगा। पहले इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता था, बट अभी ये जब से नया बजट आया है वहाँ पे 10% टैक्सेस 1 लाख के रुपीस के ऊपर शुरू हो गया। सो यहाँ पे ये टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। सो डिविडेंड प्लान में ग्रोथ जो रहेगी वो स्लो रहेगी। वही अगर आप ग्रोथ प्लान में चले आओ, ठीक है, वही अगर आप ग्रोथ प्लान में चले आओ तो इन लोगों को इन सारी चीज़ों का टेंशन नहीं होता है, ना डिविडेंड देना होता है ना बोनस देता होता है। यहाँ पे बस मुझे मैंने जो मेरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ 12 रुपीज़ 14 रुपीज़ 16 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो भी प्रॉफिट है वो मल्टीप्लीकेशंस होके आपको मिल जाएगा। सो दैट्स वाई अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए म्यूचुअल फंड में तो आप ग्रोथ प्लान में जाइए। अगर आपको स्लो रिटर्न्स बट ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, बोनस चाहिए, डिविडेंड चाहिए तो आप डिविडेंड प्लान में जाइए। अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए मतलब बोनस और डिविडेंड नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, बस यही है कि यहाँ पे थोड़ा कम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। सो बेटर गो विद द ग्रोथ प्लान मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो। देन उसके बाद में आता है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, अब समझ लीजिए मैं आपकी म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ, मैं आपके लिए क्यों काम करूँ, मुझे क्या मिलेगा? आपने पैसे दे दिए, आपने बोला कि शीतल तुझे नॉलेज है तू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं आपके लिए क्यों करूँ? सो मुझे मिलता है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, ब्रोकरेज रहता है, इस दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर आप 10 रुपीज का एन ए वी लेते हो तो उसके ऊपर आपको मिलता है 0.50 पैसा ब्रोकरेज एंट्री लोड। एग्जिट लोड अगेन 10 समझ लीजिए 12 रुपीज हो गया, आपको लगा कि आपको 2 रुपये प्रॉफिट हो गया, फिर भी आपको लगेगा 50 पैसा। आपके घर में कितना आने वाला था 2 रुपये, आया कितना 1 रुपीज, और उसके साथ में GST एंड अदर टैक्सेस। सो बेटर है म्यूचुअल फंड बेचते टाइम प्रिकॉशंस इतना ही लीजिए, 5 to 7 रुपीज अगर हम लोग इसे ऊपर बेचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई ऑलवेज यूज़। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता नहीं एज अ थियोरेटिकल पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिंपल लाइन लिखी होती है म्यूचुअल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अभी यहाँ पे देख लीजिए 10 रुपीज़ पे 50 पैसा खरीदते टाइम, 12 रुपीज़ पे 50 पैसा बेचते टाइम, मतलब क्या हो गया, अगर यही थिंग्स आप शेयर मार्केट में करते थे तो 100 रुपीज़ पे 5 पैसा और 100 रुपीज़ पे 50 पैसा, 10 टाइम्स हम लोग यहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा दे रहे हैं बिकॉज हम लोग किसी और का दिमाग यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज यही था म्यूचुअल फंड NAV, NFO, यूनिट फेस वैल्यू, डिविडेंड, ग्रोथ, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, एंट्री लोड, एग्जिट लोड। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में भी आपको ईजी गोइंग लगेगा।